welcome back to the channel. So we have started all new series for all of you, those who are targeting CSIR NET 2023. तो इस सीरीज में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्टेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग ऑल्सो. तो आज बेटा जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इज योर एनिमल फिजियोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइन सिस्टम. ऑलराइट, सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. और फिर बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस ऑल न्यू चैप्टर. और बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आपका चाहे CSIR NET हो या GATE हो या और भी कोई एग्जाम्स हो, एनिमल फिजियोलॉजी में अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा, इट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट या चैप्टर ओनली, द चैप्टर, इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं. ओके, और बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस चैप्टर को मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक आपके जो सिक्रीशंस है, कौन से हार्मोन से क्या डिसीज हो रहा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने सेशन या सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बेटा वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. और जैसे जैसे आपका थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर होता जाता है, देन वी विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चनेयर सीरीज. फिर हम लोग बेटा उसमें क्वेश्चनेयर्स क्वेश्चंस जो होंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो ऑल दोस हु हैव जॉइंड दिस सेशन, अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, आप लोग काइंडली इंटरेक्ट करो वाया द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोग के नेम्स क्या है और इधर यू आर ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है. और दूसरा मुझे भी पता चल जाता है कि यू गाइज आर एक्टिव और नॉट, या फिर ऐसे ही सुन तो नहीं रहे हो, ठीक है, ब्लैंकली. और सर्टेन पॉइंट्स बेटा आपके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अब सीरीज चल रही है उसमें आपको अपने साइड से नोटबुक पेन जरूर रखनी है. जो भी नोट्स आपको लगता है कि ये लिखना चाहिए तो उसको जरूर मेंशन करो, बिकॉज बेटा ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है जब आप लिखते हैं. तो ओके, फ्यू मोर मिनट्स, वी विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन. और बेटा ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिट सिर्फ CSIR NET जो टारगेट कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग वो ही लोग देखे, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग एनी अदर एग्जाम बीइंग इट योर CUET, PG, UG, तो वो लोग भी इस यूनिट को रेफर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये यूनिट जो है इस एनिमल फिजियोलॉजी में जो ये वाला एंडोक्राइन वाला चैप्टर है, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है. और बेटा इससे जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी आते हैं आपके, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म जो है वो पता चल जाए कि कौन सा ग्लैंड कब सिक्रीट कर रहा है, क्या सिक्रीट कर रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रोल ड्यू टू दैट हार्मोन. तो अगर आपने उस ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट कर दिया या फिर अदर बाहर से आपने उसका वाला हार्मोन डाल दिया, तब क्या इफेक्ट होगा. ऑलराइट, ओके, सो इट्स माय रिक्वेस्ट, ऑल दोस हु हैव जॉइंड काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, हाय, हेलो, समथिंग, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू, सो दैट आई गेट टू नो योर नेम्स. आप लोग के नेम्स तो पता चलेंगे ना, और तभी तो मैं बोल पाऊंगी भाई किसने आंसर करा नहीं दिया, समझ में आया नहीं आया, सिंस इट इज अ लाइव, ठीक है, यूट्यूब पे चल रहा है तो आई कांट सी योर फेसेस, तो मुझे पता नहीं चलता है. ऑलराइट, चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी से, ठीक है. हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एंडोक्राइनोलॉजी. और बेटा एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. तो चलो उसको लिख लेते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा क्या सिक्रीट कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्लस देयर सिक्रीशन, ठीक है, जो भी वो सिक्रीट कर रहे हैं, और प्लस उससे रिलेटेड बेटा अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है,
हार्मोन एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ही सिक्रीट होना चाहिए आपकी बॉडी में, बट अगर क्या होता है बेटा सर्टेन सिचुएशंस में आपके ग्लैंड्स में कुछ इश्यू हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम आ गई, तो आपके ग्लैंड्स जो है बेटा या तो एक्सेस सिक्रीशन चालू कर देते हैं या फिर कम सिक्रीशन दैट इज हाइपो सिक्रीशन चालू कर देते हैं। तो उस सिनेरियो में बेटा क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी हम इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं एंड द डिसऑर्डर्स, ऑलराइट। तो बेटा ये होती है आपकी एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके सिक्रीशन और डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट क्या कर रहा है, तो बेटा आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है कुछ केमिकल कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा आपके सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, और बेटा कैसे सिक्रीट करते हैं ये डायरेक्टली ग्लैंड्स जो हैं डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा जैसे कि अगर आप लोगों ने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जो वेरियस ग्लैंड्स वगैरह थे वो कौन से थे बेटा, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा हमेशा डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन करते हैं, उनके पास स्पेसिफिकली डक्ट प्रेजेंट होती है बेटा, जैसे लिवर के पास हो गई आपकी बाइल डक्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से काफी सारी डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होती है, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो डायरेक्टली जो अपना सिक्रीशन है ब्लड में कर देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हॉर्मोन्स, और इसलिए क्योंकि डक्ट्स इनके पास नहीं होती तो इसको हम बोलते हैं बेटा डक्ट लेस ग्लैंड्स। ऑलराइट, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनका सिक्रीशन वायर डक्ट्स नहीं होता, ये डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं अपने सिक्रीशन को यानी कि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ऑलराइट, आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और वो क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हॉर्मोन्स के बारे में कि हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, व्हाई दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आवर नेक्स्ट स्लाइड विल बी फोकसिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स। बेटा अगर बात करें आपके हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स जो है ये क्या है बेटा, एक तरीके की केमिकल मैसेंजर है ना, जो कि आपकी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। अब क्या होता है बेटा, ग्लैंड जो है वो जरूरी नहीं है कि पूरे ही आपकी बॉडी में सारे ग्लैंड सेम तरीके के प्रेजेंट हो, कुछ ग्लैंड्स आपके ब्रेन की साइड होते हैं, कुछ सर्टेन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर लोअर एब्डोमेन, तो बेटा वो ऐसे चेंजेस कैसे कर पाते हैं कि वो ग्लैंड आपका ब्रेन में प्रेजेंट है बट इट इज एक्टिंग ऑन द अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो बेटा इसका मतलब कैसे कैसे, मतलब जो स्पेसिफिसिटी है वो कैसे आ रही है, तो इसका मतलब समझो, सबसे पहले तो ये समझो जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं बेटा इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर और बेटा ये जो होते हैं आपके केमिकल मैसेंजर ये कहां पे हो जाते हैं, डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड, डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। और बेटा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं ना बेटा इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। आप खुद सोचो अगर लो मॉलिकुलर वेट है तभी तो ये आपकी थ्रू आउट द बॉडी जो है इजिली ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है बेटा इट इज वेरी लो, लो मॉलिकुलर वेट होता है बेटा, और दूसरा इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, दूसरा बेटा ये होते हैं आपके रिसेप्टर स्पेसिफिक, ठीक है, दे आर स्पेसिफिक टू रिसेप्टर। अब ये क्या बात हो गई इसको भी डिस्कस करते हैं अभी, और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको।
इंटरसेलुलर, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें मैंने लिखा है दे आर स्पेसिफिक टू रिसेप्टर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कोई हार्मोन रिलीज हो गया है आपके ब्लड में, दैट मींस इट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जैसे कि अगर आपका कोई हार्मोन है वो ब्रेन से सीक्रेट हुआ है, उसको एक्ट आपके गोनेड्स पे एक्ट करना है, बट वो बेटा ब्लड के थ्रू कॉन्टेक्ट में आगे तो आपके और अदर ग्लैंड्स पे भी एक्ट कर सकता है ना। सो वाई इट इज ओनली एक्टिंग ऑन योर गोनेड्स? तो बेटा वो होता है बिकॉज इट इज रिसेप्टर स्पेसिफिक। तो इसमें हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, दे आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, होता है बेटा रिसेप्टर स्पेसिफिक, और जो रिसेप्टर स्पेसिफिक हो गए तो मतलब अगर कोई ये ऑर्गन है, सपोज दिस इज द ऑर्गन, इस ऑर्गन ने बेटा क्या करा, हार्मोन सिक्रीट करा, ठीक है, कोई ग्लैंड कर लेते हैं इसको, कोई ग्लैंड है ये आपकी, इसने कोई हार्मोन सिक्रीट करा, अब क्या होगा बेटा, दिस हार्मोन मेकिंग इट लाइक दिस, ठीक है। अब ये हार्मोन बेटा कहाँ पे गया होगा, आपकी ब्लड वेसल में गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हार्मोन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है बेटा। अब ये बहुत सारे ग्लैंड्स के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, मान लो ये कोई एक्स ग्लैंड है, ये कोई वाई ग्लैंड है, बट इसको जो एक्ट करना है, इसको एक्ट करना है आपके जेड ग्लैंड पे ही, ठीक है, जेड ग्लैंड पे ही एक्ट करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर जो ग्लैंड है जेड ग्लैंड, इसके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे जो सिर्फ इन हार्मोन से ही रिएक्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिसेप्टर होंगे, और कुछ रिसेप्टर्स ना बेटा आपके इस तरीके से वाई पे भी होंगे, कुछ यहाँ पे भी होंगे, बट ये हार्मोन्स बेटा इनसे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो रिएक्शन है वो इसके साथ पॉसिबल नहीं है, ये ओनली बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर स्पेसिफिक से ही। तो आप ये मान लो कि यहाँ पे आपका हार्मोन आया, और जैसे ही इस रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में आया तो बेटा क्या हुआ होगा, तुरंत आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड करा होगा, और उस वजह से बेटा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके इंड्यूस हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये आपने देखा कि क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि हॉर्मोन्स जो है वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, इस हॉर्मोन ने जो बेटा कोई ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, इसने ना एक्स ग्लैंड के साथ रिएक्ट करा, ना वाई ग्लैंड के साथ रिएक्ट करा, क्योंकि बेटा ये सिर्फ आपका रिस्पॉन्ड कर सकता था एस जो जेड ग्लैंड है उसके रिसेप्टर के साथ ही। तो इसलिए जैसे ही हॉर्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुए, इट ओनली रिस्पॉन्डेड विद द रिसेप्टर ऑफ जेड ग्लैंड, और जिसके बाद बेटा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी बेसिक, ये वही बताने के लिए था कि आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं वाई दे आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, इस तरीके से होता है बेटा। अगर सोचो हर एक रिसेप्टर से अगर ये रिस्पॉन्ड करता तो सारे ग्लैंड्स में चेंजेस हो जाते जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बाय और बॉडी। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बेटा अब आते हैं आपका केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन, ठीक है, या क्लासिफिकेशन समझ लो, क्लासिफिकेशन ऑफ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो हेडिंग हम डाल सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो बेटा हॉर्मोन्स को बेस्ड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है बेटा लिपिड सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, एक तो बेटा हॉर्मोन होते हैं आपके लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स, और दूसरे होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स। ऑलराइट, ये दो सिचुएशन है। ओके, योर कमेंट्स आर नॉट विजिबल टू मी, एक सेकेंड, व्हाई योर कमेंट्स आर नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स से दिख रहा था, आई डिडंट नो कि आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
ओके जस्ट द सेकंड स्टूडेंट्स, अर्लियर आई वाजंट एबल टू सी योर कमेंट्स, दोबारा से सर्टेन चेंजेस करते हैं, लेट्स सी इफ दे आर विजिबल और नॉट। ओके यू गाइस आर रिस्पोंडिंग, आई डिडंट नो दैट। चलिए ओके, अर्चना कुमारी है, सेड गुड मॉर्निंग मैम, सीयूटी पीजी के लिए है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है विच आई एम डिस्कसिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सीएसआईआर नेट एज वेल एज इन द सीयूटी पीजी। मैक्सिमम जो सिलेबस होता है ना बेटा, इट इज काइंड ऑफ मतलब सिमिलर ही होता है। तो जो ये यूनिट है, ये आप सीयूटी पीजी अगर टारगेट कर रहे हैं, स्टिल यू कैन लिसन टू दिस, ठीक है। और मैम, कैन यू टेल मी लाइफ साइंस इज गुड फॉर बेटर स्कोप इन फ्यूचर? बेटा लाइफ साइंस जो होता है वो आपके लाइक इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, जूलॉजी बॉटनी ये सब वगैरह। तो अगर अभी आप कंफ्यूज है कि जूलॉजी लेनी है, माइक्रोबायो लेनी है या बॉटनी लेनी है, देन यू कैन गो फॉर द लाइफ साइंस, ठीक है। लाइफ साइंस आप जब पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि इन विच सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड है, और देन मास्टर्स आप उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। ओके रामा वेलकम, गुड मॉर्निंग। शुभम प्रजापति हार्मोन, ओके। हेलो पिंकी चौधरी, ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी आई वाजंट एबल टू रीड योर कमेंट्स, ठीक है। अर्लियर इट वाजंट विजिबल टू मी, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिस्पोंडेड, और मैंने सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो सिंस नाउ आई नो कि यू गाइस आर बीइंग एक्टिव, सो आई होप आप लोग को जितना भी मैंने पढ़ाया वो पार्ट क्लियर होगा। इफ इट इज क्लियर देन जस्ट सेंड अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। फिर मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं। ऑलराइट, सो काइंडली स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड इन द कमेंट सेक्शन, ऑल दोज हु हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो। अपना जल्दी से बता दो कि दिस जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, ठीक है, वॉज इट क्लियर? ओके ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो बेटा आप आ जाते हैं आपके लिपिड सॉल्यूबल में और आपके वाटर सॉल्यूबल में। तो बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, है ना। तो लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक का क्या मतलब होता है, आपका जो ऑयल है वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होगा, ऑयल में जो कोलेस्ट्रॉल वाले सब्सटेंसेस होंगे वही मिक्स हो पाएंगे, है ना, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। और वाटर में ही भी बेटा जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो इजिली डिजॉल्व हो पाएंगे। तो बेटा सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी आती है आपके हॉर्मोन्स में, यहाँ पे इसलिए इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स आपके लिपिड्स में सॉल्युबल हो पाते हैं और कुछ हॉर्मोन्स आपके पानी में सॉल्युबल हो पाते हैं। तो बेटा अगर हम लोग इसको देखें तो लिपिड सॉल्युबल बेटा कौन से हो जाएंगे, आपके स्टेरॉइड वाले हॉर्मोन्स हो जाएंगे, है ना। तो बेटा जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और बेटा स्टेरॉइड में भी कौन से आ जाएंगे, स्टेरॉइड में वो आ जाएंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे। इज इट क्लियर? स्टेरॉइड में बेटा कौन से आ जाएंगे जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे। तो इसमें मैं ये लिख सकती हूँ ना, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर दोज विच आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कौन से आ गया बेटा, दूसरे होते हैं बेटा आपके थायराइड हार्मोन्स, किसके अंदर आ रहे हैं, वो भी लिपिड हार्मोन्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपके आ गए स्टेरॉइड हार्मोन्स और दूसरे आ गए बेटा आपके थायराइड हार्मोन्स। अब बेटा थायराइड हार्मोन्स के साथ क्या सिचुएशन होती है, ये किससे बने होंगे बेटा थायराइड हार्मोन्स, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? T3 T4 का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना, T3 T4 का नाम तो सुना होगा। तो T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं बेटा, ये आपके थायराइड हार्मोन्स हैं जो कि आयोडीन और एक अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, विच इज योर टायरोसिन, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे बेटा आपके हार्मोन्स जैसे T3 and T4 जो कि बनते हैं कंपोज्ड ऑफ आयोडीन एंड टायरोसिन, ठीक है, आयोडीन एंड योर टायरोसिन। इतना पार्ट क्लियर है? हाँ जी, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा ये तो हो गए आपके लिपिड सॉल्युबल वाले। अब बात करते हैं आपके वाटर सॉल्युबल वाले में। तो बेटा वाटर सॉल्युबल में आपके अधिकतर हॉर्मोन्स जो आते हैं वो आते हैं जो कि अमीन्स होते हैं या प्रोटीन या पेप्टाइड के बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अमीन्स वाले हॉर्मोन्स की। तो इसमें आ जाएंगे बेटा कुछ आपके अमीन्स वाले हॉर्मोन्स, कुछ आ जाएंगे पेप्टाइड वाले हॉर्मोन्स जो कि आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा अमीन्स वाले हॉर्मोन्स। अब बेटा अमीन्स में भी ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो जिन अमीनो एसिड से बने होते हैं बेटा उसके हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सबसे पहले समझो कि अमीन हॉर्मोन कैसे हो गए, जो कि आपके बनते हैं डी कार्बोक्सिलेशन से
और दूसरे ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के लिए बेटा आई एम जस्ट राइटिंग स्मॉल ए स्मॉल ए, दैट मीन्स इनिशियल्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. अब बेटा जो पहला आ गया आपका अमीनो एसिड वाला, ठीक है, उसको हम लोग कौन से, वो आ जाएंगे आपके एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से ही बना होता है, जैसे कि कैटेकोलामीन्स. और बेटा ये जनरली बने होते हैं आपके टायरोसिन से, ठीक है. तो इसके अंदर वन कैटेगरी में आ जाएगा आपका कौन सा वाला हॉर्मोन, जो कि कैटेकोलामीन्स होते हैं, कैटेकोलामीन्स. और ये कैटेकोलामीन्स कौन से होते हैं बेटा, ये वाले अमीनो आपके हॉर्मोन्स होते हैं जो जनरली ड्राइव्ड होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड से, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड, ठीक है, इज इट क्लियर. इतना पार्ट क्लियर है. अब अगर मैं इसे एग्जांपल्स डिस्कस करूं तो बता, आप बता सकते हैं खुद से टायरोसिन से और कौन कौन से निकल सकते हैं. इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, T3 T4 को, इट इज आल्सो कंटेनिंग द आयोडीन पार्ट आल्सो. टायरोसिन वाले कोई अमीनो एसिड याद है बेटा? तो बेटा उसमें अगर हम मैं आपको बताऊं तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड के आप लोगों ने कुछ हॉर्मोन्स पढ़े होंगे, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन. तो बेटा ये सारे कुछ में आते हैं आपके कैटेकोलामीन्स में आते हैं और डोपामीन, ठीक है. तो चलिए इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बेटा इसमें आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और बेटा एक आपको मैंने बताया डोपामीन. बेटा ये सारे के जितने मैंने आपको भी हॉर्मोन्स के नाम लिखवाए हैं ये सबके सब किससे बने हैं, टायरोसिन से बने हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर? टू जस्ट सेंड अ थम्स अप. बेटा अगर ये पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप भेजो कमेंट सेक्शन में और मुझे बताओ कि यू गाइस हैव अंडरस्टूड कैटेगराइजेशन. फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और तरीके के अमीनो एसिड जो दूसरे और तरीके के हॉर्मोन जो कि दूसरे अमीनो एसिड से बने होंगे. ओके, शुभम ने भेजा थम्स अप, ग्रेट. व्हाट अबाउट पिंकी और बाकी के स्टूडेंट्स, उन लोगों को क्लियर नहीं हुआ? तो बेटा यहीं पे अगर मैं इसको इस तरीके से कर देते हैं, चलिए, और दूसरे बेटा आ जाएंगे आपके हिस्टामीन. हिस्टामीन जो है बेटा ये कौन से अमीनो एसिड से बना होगा, तो ये बेटा ड्राइव्ड होगा आपका फ्रॉम हिस्टिडीन से, ड्राइव्ड फ्रॉम हिस्टिडीन. और आप लोगों ने बेटा सुना होगा कि इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में जो ये केमिकल सिक्रीशन होता है इज ऑफ हिस्टामीन, है ना. कौन सिक्रीट करते हैं? मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं. और ये क्वेश्चन गेट में भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग या मैच द फॉलोइंग में कुछ था बेटा कि मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, मास्ट सेल सिक्रीट्स द हिस्टामीन, ठीक है. हाँ जी शुभम, वेरी करेक्ट. जो 3F वाली कंडीशन होती है ना, फ्राइड फ्राइड वाली कंडीशन, उसमें आयोर एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड. तभी आप लोग क्या होता है कि जैसे भी डर जाते हो किसी भी सिचुएशन में, या कुत्ता कोई अगर आप समझ लो, आप डॉग ही आपके पीछे पड़ गया तो आप तुरंत भागने लगते हो, ठीक है, बिना सोचे समझे. तो उतना एनर्जी, उतना दिमाग कैसे चल पाता है, और उतना मतलब आप समझ लो कि जो डरना घबराना ये सब कैसे हो पाता है बेटा, एड्रेनलिन उस टाइम पे सिक्रीट होता है, इस वजह से होता है. हाँ जी शुभम, वेरी करेक्ट. इन्फ्लेमेशन के टाइम पे हिस्टामिन सिक्रीट होता है, ठीक है. अब दूसरा ये आ गया आपका हिस्टामिन आ गया बेटा. और कुछ होता है आपके कोई और हॉर्मोन्स जो आपके अमीनो एसिड से बनते हैं, याद करो. तो बेटा आपने सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का नाम और सुना होगा, चलिए लेट्स राइट देम एज वेल. तो ये थर्ड कैटेगरी में आ गए आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन. सेरोटोनिन बेटा अधिकतर आपने फील गुड टाइप से हॉर्मोन, जब भी कुछ गुड गुड फील होता है तब सेरोटोनिन रिलीज होता है. और मेलाटोनिन बेटा कब रिलीज होता है, ये आपको स्लीपिंग के लिए बहुत जरूरी होता है. तो ये आपका रात के टाइम पे सिक्रीट होता है. और ये चीज मैंने आपको अदर सीरीज में भी बताई है. अगेन आई एम डिस्कसिंग कि बेटा जो लोग जेट लैग एक्सपीरियंस करते हैं, जेट लैग क्या होता है, अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और मान लो यहाँ पे रात हो रही है और वहां पे आप पहुंचे, तो या फिर मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे दिन हो रहा है और वहां पहुंचे तो वहां पे भी दिन हो रहा है. अब क्या होगा, आपको सोने में दिक्कत हो सकती है. तो आप क्या करेंगे, आप कुछ स्लीपिंग पिल्स लेंगे. तो बेटा दो सर्टेन पिल्स विच हेल्प्स इन द स्लीपिंग ऑल्सो कंटेन्स मेलाटोनिन बिकॉज इट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड द गुड स्लीप, ठीक है.
तो ये तो हमने थोड़ा फंक्शन जान लिया, ठीक है। तो अब सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो होता है ना बेटा, ये कौन से अमीनो एसिड से बना होता है? ये बना होता है आपके ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ये आपके ट्रिप्टोफैन से बनता है, ठीक है। तो ये जितने अभी हमने डिस्कस करे, ये कौन से थे बेटा? अमीन्स वाले थे, ये वाले थे। अभी पेप्टाइड्स वाले बच रहे आपके, ठीक है। इतना क्लियर है, थम्स अप भेज दो। फिर पेप्टाइड्स वाले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखवाती हूँ, क्योंकि सिंस दिस स्लाइड हैज लाइक टोटली फिल्ड, और इसको और छोटा करा तो आप लोग को मे बी विजुअलाइज ही ना हो क्लियरली। सो इफ इट इज क्लियर जस्ट सेंड अ थम्स अप, और इफ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन सेंड योर डाउट एज वेल। ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट। तो देखो बेटा, अब हम लिख रहे हैं इसी में, किसमें किसमें बात कर रहे थे बेटा? आपके वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं। तो वाटर सोल्यूबल में दूसरी कैटेगरी आ गई थी आपकी पेप्टाइड हॉर्मोन्स की, सो उनको भी लिख लेते हैं, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो बेटा पेप्टाइड हॉर्मोन्स किससे बने होंगे? अमीनो एसिड से बने होंगे ना। पेप्टाइड हॉर्मोन्स आपके अमीनो एसिड से बने होंगे, और एक होता है आपके पेप्टाइड आते हैं, और बेटा एक आता है आपके प्रोटीन हॉर्मोन्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपके ये दोनों ही बनते हैं, बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड, बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, बट बेटा डिफरेंस होता है कि अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो आपका पेप्टाइड वाले हैं, जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं उनके अंदर बेटा अगर देखा जाए कितने अमीनो एसिड्स होंगे बेटा, कंपैरिजन करो, प्रोटीन में ज्यादा होंगे या पेप्टाइड वाले में ज्यादा होंगे? प्रोटीन वाले में ज्यादा होंगे ना, पेप्टाइड वाले में तो कम होंगे। तो बेटा इसमें ऑलमोस्ट होते हैं 3 से लेके 49 तक अमीनो एसिड्स, ठीक है। और दूसरे आते हैं बेटा आपके प्रोटीन हॉर्मोन्स, जिसमें कहां से कहां तक आ जाएंगे बेटा? 49 में एक प्लस आगे कर दो तो कितना बन जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। तो 50 से लेके 200 अमीनो एसिड तक होते हैं इसमें, क्लियर। और बेटा एक और आ जाते हैं आपके, एक और आते हैं, वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हॉर्मोन्स, ठीक है। तो उनको भी लिख लेते हैं। अब देखो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको वर्ड को ब्रेक डाउन अगर आप करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। एक ही आ गए, ये आ गए, बेटा आते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन। तो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन तो वाले हॉर्मोन्स हो जाएंगे ना जिनके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन है, और व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स हैं। और बेटा कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? ग्लाइकोजन को बोला है हमने, ठीक है। इज इट क्लियर? अब बेटा इसकी जो वैरायटी है, पेप्टाइड कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, तो वो जब हम जो जो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जो जिसका हॉर्मोन्स पढ़ेंगे उसको लिखेंगे, क्योंकि पेप्टाइड हॉर्मोन्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे सारे लिखना उनका कोई मतलब पॉइंट नहीं रहता, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे उनको, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो बेटा थम्स अप भेजिए। अगर अभी तक आपको क्लासिफिकेशन सब समझ में आया है, देखो बेटा क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करा था? यहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा था हमने, लिपिड सॉल्युबल भी डिस्कस कर लिए, वाटर सॉल्युबल भी डिस्कस कर लिए। वाटर सॉल्युबल में बेटा आपको मैंने बताया अमीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोटीन्स भी लिख देती हूँ, प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स भी होते हैं। तो पहले मैंने आपको अमीन्स वाले बताया, अमीन्स वाले में क्या बताया कि जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं, जैसे कि पहले कैटाकोलामीन्स आ गया, जिसमें आपके कौन से आता है अमीनो एसिड? टायरोसिन अमीनो एसिड आ रहा है, ठीक है। देखो रिवाइज करा देते हैं, टायरोसिन आ रहा है, और टायरोसिन वाले कौन से हो गए? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आपके डोपामिन। फिर आ गया हिस्टामिन, हिस्टामिन किससे बनता है बेटा? हिस्टिडीन से, और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, जिसकी मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दी मेलाटोनिन की, जो कि ड्राइव्ड होता है फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा बेटा अबाउट द पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स। पेप्टाइड में बेटा कम अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन में ज्यादा होंगे, और जो ग्लाइकोप्रोटीन हॉर्मोन्स भी कुछ होते हैं प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है बेटा आपका ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो बेटा अब आ जाते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले जो आप डिस्कस करोगे बेटा वो होगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। द फर्स्ट ग्लैंड वी विल बी डिस्कसिंग इज योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरीके से, ठीक है, तो ब्रेन आपका बेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है ना। अब इसमें भी बेटा एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज द डायनसेफलॉन, ठीक है। तो डायनसेफलॉन के बेस पे प्रेजेंट होता है आपका ये वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस। तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डायनसेफलॉन। और बेटा ये कहीं यहां पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये आपका पूरा डायनसेफलॉन है, ये पूरा का पूरा बेटा आपका डायनसेफलॉन है, ठीक है। अब इसके भी बेस पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसी के डायग्राम को बेटा मैग्नीफाई करके बना दूं इधर नीचे की साइड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे मैंने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके से बेटा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके से, है ना। इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया है? डायनसेफलॉन। इस पूरे को मैंने बोला है डायनसेफलॉन। अब इसके भी बेटा बेस पे प्रेजेंट है, तो यानी कि आपका हाइपोथैलेमस यहां पे होगा, इधर जो नीचे वाला एरिया है, दिस इज द एरिया विच इज रिफ्लेक्टिंग कि ये हाइपोथैलेमस है। अब बेटा हाइपोथैलेमस बेस में प्रेजेंट है, तो बाकी ऊपर वाली क्या चीजें हैं? तो बेटा इसके ऊपर आ जाता है आपका एक एपिथैलेमस आता है, और एक आता है बेटा आपका थैलेमस, ठीक है। एक आ जाएगा आपका थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर एक और रीजन होता है एपिथैलेमस। ये बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। जो मेन आपको फोकस करना है वो करना है हाइपोथैलेमस पे करना है, और हाइपोथैलेमस ये रहा आपकी लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन लिखवा दी एट द बेस ऑफ डायनसेफलॉन, ठीक है। इतना क्लियर है? जस्ट सेंड द थम्स अप वंस अगेन। जल्दी से बताइए, क्लियर है तो बेटा जल्दी से थम्स अप भेजिए। ओके थम्स अप, क्लियर, समथिंग कुछ तो लिखो भाई, ऐसे मुझे क्या पता चल रहा है कि यू गाइज आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपका हाइपोथैलेमस ना एक और ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पिट्यूटरी को बेटा इस तरीके से बनाऊं ग्रीन कलर से, तो बेटा इधर इस तरीके से उसके कुछ आपका ग्लैंड निकला होता है, हाइपोथैलेमस के बेस से एसोसिएटेड होता है, जिसको बोलता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड गाइस, इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर दिया करो। जैसे ही मेरी एक स्लाइड भर दिया करे ना, तुरंत खुद से मेंशन कर दिया करो, क्लियर मैम, ओके मैम, ठीक है। तभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करूंगी जब आप लोग को एक स्लाइड क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा आपके हाइपोथैलेमस के बेस पे इस तरीके से देखो, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये दिख रहा है? ये क्या बता दिया मैंने आपको? पूरा डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन के नीचे बेस की साइड बेटा मैंने एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, देखो और क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा आपका हाइपोथैलेमस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है, ठीक है, एसोसिएटेड है। तो अगर मैं इसी पार्ट को, इतने पार्ट को नेक्स्ट पेज पे बनाऊं जूम इन करके, ताकि आपको अंदर से एलिस समझ में आ जाए, तो इट विल बी मच मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलो अब उसको ही बनाते हैं, इस स्लाइड को पीछे ले जाते हैं। हां जी चलिए, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा आप समझ गए कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, कि हाउ योर हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद दूसरा ग्लैंड, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ हाइपोथैलेमस
विद पिट्यूटरी ग्लैंड? ठीक है, तो अब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो बेटा इस तरीके से आपका बेस ऑफ डाइएन्सेफेलॉन में था ना हाइपोथैलेमस, तो क्या जरूरी है कि मैं पूरा डाइएन्सेफेलॉन बनाऊं, सिर्फ बेस ही बना दूं तो चल जाएगा ना? और देखो उसके बाद बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड चालू हो रहा था, यानी कि यहाँ से इस तरीके से बेटा एक पतला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ रहा था, फिर उसके बाद बेटा आपका पिट्यूटरी आ रहा था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर था वो आ रहा था पिट्यूटरी का, और ये क्या है बेटा, ये है इतना पार्ट जो है ये है बेस ऑफ डाइएन्सेफेलॉन विच इज द हाइपोथैलेमस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना हाइपोथैलेमस है ये। और देखो बेटा हाइपोथैलेमस आपके दूसरे ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक है बेटा, और इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद बेटा ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर है बेटा पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, दिस होल इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब कैसे ये जुड़ा हुआ है इंटरनली, तो बेटा ये और देखो आपका हाइपोथैलेमस में ना न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूरॉन्स ही हॉर्मोन्स को निकालते हैं, इसलिए बेटा क्या बोला जाता है, जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स होते हैं ऑल दोज हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज न्यूरो हॉर्मोन्स बिकॉज दे आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अगर मैंने न्यूरॉन्स बना दिए तो ये एंटीरियर एक तो हिस्सा होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो हम और डिस्कस करेंगे फर्दर जब पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का एक पार्ट होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर होता है, डिफरेंस बेटा इसलिए आया है क्योंकि जो अंदर नर्व का नेटवर्क है वो दोनों में अलग अलग होता है, जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में बेटा आपकी नर्व जो आती है हाइपोथैलेमस से सिर्फ स्टॉक तक आती है, ठीक है, इस तरीके से एक दो नर्व और बना सकते हैं हम, ठीक है। और बेटा जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होती है ना वहां पे हाइपोथैलेमस से कुछ नर्व्स आती हैं और एकदम एंड तक आ जाती हैं, यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से एंड तक आ जाती हैं, इसलिए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, वन इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, अनदर इज पोस्टीरियर, तो जिसमें देखो बेटा पूरा आपका नीचे तक न्यूरॉन्स आ रहा है इसको बेटा हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो बाकी के नाम्स होते हैं ना, नेम्स जो होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे तब जब हम लोग और अच्छे से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो गोल्डी, हाँ जी पिंकी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, वेरी गुड। और ये क्या हो गया बेटा, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, डिफरेंस क्लियर हुआ कि एंटीरियर और पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब पूरे को हम पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते थे ना, बट वाई वी आर डिस्टिंग्विशिंग इट इनटू टू पार्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये न्यूरॉन्स बेटा हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। तो बेटा यही था कि किस तरीके से आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड है, इंटरनली अगर हम लोग एलिस ले रहे इसका तो बेटा इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब इतना पार्ट क्लियर है तो जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करते हैं। और ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन वेदर दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, थम्स अप भेज दो, क्लियर बॉय भेज दो, या डन, या जो भी है कुछ भी लिख दो, मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ओके ग्रेट पिंकी, बाकी व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? ओके चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं आपके हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होते हैं, और बेटा ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनकी जो नर्व एंडिंग होती है, देयर नर्व एंडिंग रिलीजेस द हॉर्मोन, ठीक है, नर्व एंडिंग से बेटा हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, इस वजह से इन हॉर्मोन्स को हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरो हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। सो रिलीजेस, दैट्स व्हाई दीज हॉर्मोन्स आर नोन एज न्यूरो हॉर्मोन्स, ठीक है, जितने भी हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं उनको बेटा न्यूरो हॉर्मोन्स बोला जाता है इसी वजह से। इज दिस पार्ट क्लियर?
ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा ये आपके न्यूरॉन से नर्व एंडिंग से रिलीज तो हो रहे हैं बट कहाँ जा रहे होंगे आप ये देखो इनकी नर्व एंडिंग कहाँ खत्म हो रही है एंटीरियर पिट्यूटरी में हो रही है एक साइड तो है ना तो अगर मैं ब्लू कलर से आपको दिखाऊं तो बेटा देखो इधर की साइड आपका यहाँ पे रिलीज कर रहा होगा ये हार्मोन और ये वाला न्यूरॉन आपका यहाँ पे रिलीज कर रहा होगा। इतना समझ में आया कहाँ रिलीज कर रहा है हार्मोन या फिर मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ स्काई ब्लू। चलो देखो बेटा ये हार्मोन ये न्यूरॉन्स तो आपके यहाँ पे रिलीज कर रहे होंगे और ये वाले न्यूरॉन्स यहाँ पे रिलीज कर रहे होंगे हार्मोन है ना। तो यानी कि न्यूरो हार्मोन्स आपके कहाँ रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स मतलब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज हो रहे हैं। इतना क्लियर हुआ इस बात को मैं यहां लिख दूं कि दीज न्यूरो हॉर्मोन्स आर रिलीज इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है अब ये देखो हमने बात करी कि हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके ब्लड में रिलीज होता है ना। तो आप ब्लड में रिलीज होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए ब्लड वेसल का होना जरूरी चाहिए। तो यहाँ पे तो हॉर्मोन रिलीज होगा है बट देयर मस्ट बी सर्टेन ब्लड वेसल्स या ब्लड का नेटवर्क होगा ब्लड वेसल का। ठीक है तो लेट्स ड्रॉ द ब्लड वेसल नेटवर्क। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से आपके ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा ठीक है जिसके अंदर ये हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है तो एक आपका क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला मान लो और एक आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला नेटवर्क मान लो इस तरीके से होगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से नेटवर्क प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल्स का और बेटा अल्टीमेटली यहां से आपका बाहर हॉर्मोन रिलीज हो गया होगा ब्लड वेसल के थ्रू ही एंटीरियर पिट्यूटरी से इधर और इधर बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है इतना पार्ट क्लियर है। पहले हमने देखा कि न्यूरॉन्स जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं पिट्यूटरी के अंदर बट बेटा पिट्यूटरी में भी ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे ब्लड वेसल में जाएगा हॉर्मोन ब्लड वेसल में जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इधर की साइड आप देखो कि स्टॉक वाली एरिया में नर्व एंडिंग और आपका जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसका नेटवर्क आपस में मिल रहा है। ठीक है ये नर्व एंडिंग मान लो और इधर ये आप समझ लो यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स इसका नेटवर्क यहाँ पे यूनाइट हो रहा है। तो बेटा ये एक तरीके से क्या बन गया पोर्टल सर्कुलेशन बन गया। तो यहाँ इस वाले पोर्टल सर्कुलेशन का बेटा एक स्पेसिफिक नाम है उसको लिखते हैं। तो बेटा ये जो एरिया है इतना एरिया ठीक है ये आपका एक पोर्टल सर्कुलेशन है और इस पोर्टल सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा ये कौन से पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है बेटा हमेशा दो ऑर्गन्स को या दो एरियाज को कनेक्ट कर रहा होता है। एक आपने सुना होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी जो कि लिवर और इंटेस्टाइन के ब्लड्स को कनेक्ट करता है ठीक है और ये आपका आगे एक और पोर्टल सर्कुलेशन विच इज कनेक्टिंग योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। और हाइपोफाइशियल क्यों बोला है बेटा क्योंकि हाइपोफाइशियल जो है ना पिट्यूटरी का अनदर नेम है हाइपोफाइशियल इज द अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी। तो इस पोर्टल सर्कुलेशन का नाम आ जाएगा हाइपोथैलेमो और दूसरा किसको कनेक्ट कर रहा है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो बेटा हम ये कह सकते हैं जो आपके न्यूरो हॉर्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी में एक पोर्टल सर्कुलेशन में आके रिलीज हो रहे हैं जिसको हमने बोला हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन के बाद बेटा फर्दर नेटवर्क ऑफ उसमें आ गए हैं ब्लड वेसल के और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने कुछ अलग हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा होगा। इतना क्लियर है तो जस्ट सेंड अ थम्स अप फिर से बता दो क्लियर है मैम।
हाँ जी बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग को कंप्लीट फिजियोलॉजी मिले, ठीक है। विल बी ट्राइंग आर बेस्ट कि आप लोग को जितना भी लाइक अगर कंप्लीट भी नहीं हो पाता है तो वट एवर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट इन सी एस आई आर नेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग बेटा वो वाली यूनिट्स कवर कर देंगे, ठीक है। मैम वंस टाइम रिपीट, अच्छा तो ठीक है। देखो बेटा, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स का क्या बोला हमने, न्यूरो हॉर्मोन्स, क्योंकि वो नर्व एंडिंग से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब बेटा ये नर्व एंडिंग एक एंटीरियर पिट्यूटरी में तो बेटा ये नर्व एंडिंग यहाँ पे खत्म हो गई और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपकी नर्व एंडिंग बेटा इधर खत्म हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही सेशन के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ब्लड वेसल के अंदर सिक्रीट करते हैं अपने हॉर्मोन्स को। तो बेटा ब्लड वेसल कहाँ पे आ गई यहाँ पे, तो बेटा यहाँ जहाँ पे नर्व न्यूरॉन्स आपके फिनिश हो रहे हैं या उनकी एंडिंग आ गई उसी साइड पे बेटा क्या हो जाता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। अब ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आके फिर आपके पिट्यूटरी से बाहर ले जा रहे हैं हॉर्मोन्स को, और सिमिलरली यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या है आपके पोस्टीरियर जो आपके पिट्यूटरी में हॉर्मोन आ रहे हैं न्यूरॉन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, वो बेटा पूरा नीचे तक आ रहे हैं, वो बीच में नहीं रुक रहे हैं। अब बेटा नीचे तक आ गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके ब्लड वेसल का नेटवर्क है फिर वो वापस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाहर रिलीज आउट कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब आप ये समझ लो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे होंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे होंगे वो दोनों अलग होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे तब जब पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स पूरा नीचे तक आ रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमिक के हॉर्मोन्स आपके स्टॉक तक आ रहे हैं, और स्टॉक के पास आने के बाद यहाँ पे बेटा एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल आ गया है जो कि आपके हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा रहा है, और इस नेटवर्क को जहाँ पे आपके ब्लड वेसल ये बॉटल मान लो क्या है बेटा आपका न्यूरॉन है जो कि आ रहा है हाइपोथैलेमस से। अब मेरे हाथ क्या है, ये फिंगर्स क्या है, मेरी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो गई है नर्व की एंडिंग से, तो यहाँ से इस बॉटल के एंड से क्या रिलीज हो गए होंगे आपके न्यूरो हॉर्मोन्स, और इन ब्लड वेसल्स ने यहाँ पे आपकी नर्व एंडिंग के एंड में प्रेजेंट है तो यहाँ से इन्होंने क्या ले लिया होगा, ये न्यूरो हॉर्मोन्स कैप्चर कर लिए होंगे और वो कहाँ पहुंचा दिए होंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। और बेटा ये जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि आपके दो ग्लैंड्स को कनेक्ट कर रहा है, और ये पोर्टल सर्कुलेशन का बेटा जो नेम है वो ये है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। कितना क्लियर है शुभम? शुभम आपको क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके अब बेटा देखो, जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, इनको हमने बोला न्यूरो हॉर्मोन्स। अब बेटा इनमें भी डिवीजन हो जाता है, कैसे हो जाता है, जो आपके हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स होते हैं ये बेटा फिर से दो तरीके में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है बेटा रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट कराते हैं काम को, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप फोन चला रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चला रहे हैं, आपके पेरेंट ने बोला बेटा और चला फोन, हम रिचार्ज करा के देंगे, तो योर पेरेंट्स आर स्टिमुलेटिंग, ठीक है, आपको इनहिबिट नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, जो आप काम कर रहे हो उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, तो दैट मींस कि वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स, एक होता है रिलीजिंग हॉर्मोन, ये क्या करता है बेटा एक तरीके से स्टिमुलेट कराते हैं कि जो हॉर्मोन रिलीज होना है उसको रिलीज होने में और मदद कराते हैं, ठीक है। और दूसरे हो गए बेटा आपके इनहिबिटिंग हॉर्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, काम आपको जो हार्मोन रिलीज होना चाहता है उसको
रिलीज नहीं होने देगा, उसको रोक देगा। यानी कि इस सिनेरियो में अगर वही पेरेंट्स वाला एग्जांपल लूं, तो पेरेंट्स यहाँ पे आपको रोक रहे हैं कि फोन मत चलाओ, और उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए आपका रिचार्ज भी कट कर दिया, ठीक है। आपके उसमें डेटा बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ना इंस्टा चला सकते हैं ना यूट्यूब चला सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि हाइपोथैलेमस दो तरीके के हॉर्मोन्स निकाल रहा है, वन इज योर रिलीजिंग, अनदर इज योर इनहिबिटिंग हॉर्मोन, ठीक है। अब देखते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन कौन से होते हैं। तो बेटा एक आ जाएगा हॉर्मोन विच इज जी एन आर एच। इसको क्या बोलते हैं बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है। और बेटा ये किस पे एक्ट करता है, ये गोनैड्स पे एक्ट करता है, ताकि फिर गोनैड्स ये आपका रिलीज एक्ट करेगा पहले पिट्यूटरी पे, फिर पिट्यूटरी के कुछ हॉर्मोन्स हैं वो गोनैड्स पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम समझते जाएंगे फंक्शन सारे हॉर्मोन्स का, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स का, बट उससे पहले हम सारे नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो आपके जी एन आर एच आ गया, दूसरा होता है बेटा जी एच आर एच विच मीन्स ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन, और बेटा एक और आ गया आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं, एक और आ गया बेटा आपका TRH विच इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। और बेटा एक और होता है आपका विच इज सोमैटोस्टैटिन, उसको उधर ही लिखते हैं, ठीक है। एक आता है आपका सी आर एच विच इज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है बेटा। तो रिलीजिंग में आपके ऑलमोस्ट इतने आ गए हॉर्मोन्स, किसके, हाइपोथैलेमस के। इतना क्लियर है? हाँ जी। शुभम, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका हाइपोथैलेमस निकालेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है बेटा कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, यहाँ पे जनरली रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं, ठीक है। अब इनहिबिटिंग में आ जाओ बेटा, इनहिबिटिंग में कौन से आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा आपका सोमैटोस्टैटिन, ये क्या करता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है कि वो सिक्रीट ना हो, उनका अमाउंट डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वन इज सोमैटोस्टैटिन, और एक होता है बेटा आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो बेटा शुभम, आपको अपना समझ में आ गया ना, ग्रोथ हार्मोन इज नॉट अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इट इज अ पिट्यूटरी हार्मोन, वो हम डिस्कस करेंगे जब जीएचआरएच का पूरा रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा अब क्या होता है, आपने देखा न्यूरॉन का नेटवर्क आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, और कुछ आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो कि बिल्कुल नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर देखो कि कुछ हॉर्मोन्स तो यानी कि आपके एक्ट कर रहे होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, कुछ एक्ट कर रहे होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये देखो, जो आपके मोस्ट ऑफ द हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एक हॉर्मोन का, ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या, हम लोग अब हॉर्मोन्स ही डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका GnRH से, ये क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दिस इज योर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब क्या होगा बेटा,
आपके हाइपोथैलेमस ने ये सिक्रीट करा होगा हार्मोन GnRH, ठीक है, GnRH है। अब ये हार्मोन ना बेटा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के उसपे नर्व एंडिंग पे एक्ट करेगा, मतलब जहां पे आपका ये हो रहा था ना, देखो इधर ये वाला, इधर वाले न्यूरॉन होंगे जो आपके GnRH को सिक्रीट कर रहे होंगे। अब बेटा देखो आपके इस वाले हार्मोन को पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी तक में पहुंचने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ेगा, किसके अंदर आना पड़ेगा, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। तो बेटा यहाँ पे हम लोग यही लिख देंगे कि आपका GnRH हाइपोथैलेमस से निकला, अब कहाँ गया होगा, पोर्टल सर्कुलेशन में, जिसका नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। अब हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन तो हो गया बेटा, अब उसके बाद ये कहां पहुंच जाएगा, अब बेटा पहुंच जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देती हूं कि अब ये कहां पहुंच गया आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी में बेटा अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि फिर स्पेसिफिक हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। तो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी में आपकी एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोप्स, तो बेटा इस पे एक्ट करेगा, इस पे आके आपका जो GnRH है इस पे एक्ट करेगा, यहाँ पहुंच गया है GnRH, अब इस पे एक्ट करेगा। और एक्ट कैसे करेगा कि अब वो बोलेगा आपके गोनेडोट्रोप्स को कि तुम अपने हॉर्मोन्स रिलीज करो, और गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, इट इज बेटा LH एंड FSH, ठीक है। और इस LH और FSH के बारे में इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि LH FSH कब रिलीज हो पा रहा है, जब हाइपोथैलेमस ने अपना हार्मोन रिलीज करा है विच इज GnRH, फिर कहां पहुंचा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा वाया पोर्टल सर्कुलेशन। और एंटीरियर पिट्यूटरी में बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हमने बोला गोनेडोट्रोप्स, और वहां से वो सिक्रीट हुए होंगे गोनेडोट्रोप्स के कुछ हार्मोन जैसे कि LH और FSH। इतना क्लियर है। और LH FSH का फंक्शन हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। शुभम, ये आपका फर्स्ट मतलब पहले वाला यस मैम है, या अभी आपने दोबारा से लिखा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, तो दोबारा से अगर लाइक इफ यू कैन रिस्पॉन्ड तो जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन विद अ थम्स अप और यस मैम और क्लियर मैम कि इफ इट इज क्लियर टू यू और नॉट, और यू गाइज वॉन्ट अ रिविजन ऑफ जो भी मैंने बताया तो रिकॉल करा देती हूँ मैं, जल्दी से बताइए इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी, वेरी गुड शुभम, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट अगेन आई एम सेइंग इसके बारे में इन डेप्थ जो है हम डिस्कस करेंगे आपकी पिट्यूटरी में, जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे और उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ऑन ओनली ऑन द हाइपोथैलेमस एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग योर पिट्यूटरी, ठीक है। ऑल राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आया। अब बेटा इसी तरीके से आपके अदर हॉर्मोन्स भी हैं, जैसे कि ये लिस्ट में देखो, अभी हमने कौन सा वाला कवर करा है, अभी बेटा मैंने आपका ये वाला हार्मोन कवर कर दिया है, ठीक है। अब सिंस वी हैव वेरी लेस टाइम, तो अब नेक्स्ट सेशन में, कमिंग सेशन में आई विल बी कवरिंग GHRH, TRH, CRH, ठीक है बेटा, और आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है बेटा, आपके जो ग्लैंड्स हैं उसमें से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, उनका नेचर क्या है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस पर जरूर ध्यान रखना। और इस चैप्टर को बेटा बेस्ट वे टू मेमोराइज है कि विद डायग्राम्स लेबल, कि कहां से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा अभी तक हमने जो डिस्कस करा उसमें एक मेजर डायग्राम आया था वो ये वाला था, जहाँ पे एसोसिएशन हम पढ़ रहे थे बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा इसको अपनी साइड से जरूर प्रैक्टिस करना ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन्स कहाँ तक आ रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। इफ यू गाइज हैव लाइक दिस सेशन तो काइंडली हिट इट ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन अपार्ट फ्रॉम द लाइव चैट। ठीक है, जिससे कि मुझे आपका फीडबैक पता चल जाएगा कि वेदर यू हैव लाइक दिस सेशन, विच पार्ट आपको अच्छा लगा। ठीक है, डायग्राम्स वर गुड और व्हाट्स एवर लाइक कॉम्प्लीमेंट्स यू वांट टू गिव और एनी एल्स फीडबैक आपको जो भी देना है कि मैम यू वी वांट यू टू कवर दिस टॉपिक या जो भी टॉपिक है आपको डिफिकल्ट लग रहा है इन एनिमल फिजियोलॉजी तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, और बेटा मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इसलिए क्योंकि दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिवेटिंग अस कि हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप लोग को पसंद आ रहे हैं हम लोग जो पढ़ा रहे हैं एंड ऑल्सो कीप अस इन ट्रैक कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है और किस तरीके से किस तरीके की स्पीड हमें मेंटेन करके चलनी है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड मेकिंग इट इंटरैक्टिव। ठीक है, एंड रिस्पॉन्डिंग इट ऑन द टाइम ऑलवेज। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज। और बाकी के जो सेशंस हैं अबाउट द सीएसआईआर नेट एंड सीयूटीपीजी विल बी लाइक इन द इवनिंग, तो आप और जो फर्दर लेक्चर्स हैं बाय अदर फैकल्टीज एक्सपर्ट फैकल्टीज वो आप शाम को देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू गाइज, बाय बाय।